महाराष्ट्र में स्थिति बेहद खराब, 24 घंटे में करीब 26,000 मरीज मिले, यह एक दिन में संक्रमित मिलने का सबसे बड़ा आंकड़ा। टीम इंडिया की जीत का एनालिसिस, रोहित शर्मा की कप्तानी ने किया कमाल, भारत ने इंग्लैंड के साथ साथ टॉस और ओस को भी हराया। केरल में दो बार सीएम रहे ओमान चांडी का इंटरव्यू, राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालना चाहिए, वह ही एक ऐसे नेता है जो देश भर में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। भोपाल बीजेपी ऑफिस में यौन शोषण, युवती का आरोप, लाइब्रेरी में पढ़ाई के दौरान बुजुर्ग कार्यकर्ता ने की गंदी हरकत, प्रदेश महामंत्री बोले पड़ताल की जा रही है। उत्तराखंड सीएम के बयान पर बवाल, फटी जींस पर बेतुके बोल वाले तीरथ, 20 की उम्र में आरएसएस के प्रचारक बने इन। बंगाल चुनाव में रामगढ़, योगी ने 4 रैलियों में 80 बार राम का नाम लिया, अमित शाह ने 2 रैलियों में 26 तो स्मृति ने पहले रैली में 1 दर्जन से ज्यादा राम का नाम लिया। बंगाल में प्रत्याशी तय, अब चुनाव की तैयारी, बीजेपी ने 157 उम्मीदवारों का ऐलान किया, मुकुल रॉय, उनके बेटे और वैशाली डालमिया को भी टिकट। एमपी में किसान आंदोलन के पंडाल में शादी, रीवा के किसानों ने बेटे बेटी की शादी की, कहा कृषि कानूनों की वापसी तक सभी काम धरना स्थल से ही होंगे। एंटीलिया केस के बहाने शिवसेना का केंद्र पर निशाना, सामना में लिखा महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए उरी और पठानकोट छोड़ से 20 जिलेटिन छड़ों की जांच कर रही है NIA। पश्चिम मध्य रेलवे ने भोपाल के लिए ट्रेड अप्रेंटिस के 165 पदों पर भर्तियां निकाली, 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई।